हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम निकल रहे हैं कुरसा की यात्रा के लिए। तो आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है ऋषिकेश, जो लगभग यहाँ से है 448 किलोमीटर। तो बीच बीच में ब्रेक लेते लेते जाएंगे और चलो मिलते हैं आपको सीधा रास्ते में। तो अभी हमने एक छोटी सी ब्रेक ली है, यहाँ पे हम चाय वाय पीते हैं और हम रुके हैं अभी अरविंद वैष्णो ढाबा पे। तो चाय वाय पियेंगे यहाँ पे, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट भी करनी जरूरी है, आपको पता ही है बाइक पे इतना कंटिन्यू चलाने से आपको पता है दर्द होती है। तो अभी यहाँ पे हम पीते हैं चाय। तो दोस्तों, चाय हमने पी ली है, हम निकलते हैं आगे को, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मिलते हैं रास्ते में। दोस्तों, अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ली है, भूख लग रही थी, अभी कुछ हैवी खाने का मन तो था नहीं। हम अपने साथ ना एप्पल लेके आए थे सभी, तो अभी खा रहे हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं और अपने टूर को इंजॉय कर रहे हैं। और आप इस वीडियो को इंजॉय करो और देखते रहो लास्ट तक। दोस्तों, अभी हम रुके हैं मयूर ढाबा में कुछ खाने के लिए। तो अभी बहुत धूप हो रही है, तो थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे बाइक चलते, बाइक पे बैठे बैठे बैठे, और आपको पता ही है क्या हालत होती है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे और कुछ खाते पीते हैं यहाँ से, फिर निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर बाद। तो चलिए ठीक है, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या खाने में। दोस्तों, हमने ऑर्डर किया था आलू का पराठा और दही, तो वो आ चुका है, तो हम इसको ख़त्म करते हैं। और अब तो दोस्तों, हमने खाना पीना खा लिया है, अब निकलते हैं आगे ऋषिकेश की तरफ। अगर रास्ते में होगा तो देखेंगे ब्रेक वगैरह, लेकिन नहीं तो सीधा निकलेंगे। अब ऋषिकेश को बहुत धूप है, रास्ते में रुकने का मन नहीं है, तो चलते हैं रास्ते में, मिलते हैं आपको। Thank you.
हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये देखिए मेरे पीछे गंगा मैया जी, जय गंगे मैया। तो दोस्तों हम यहाँ पर रुक नहीं सकते क्योंकि हमें जाना है ऋषिकेश और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम यहाँ पर रुकें, तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट टाइम आना होगा। तो अभी हम यहाँ से आगे ऋषिकेश को जाएंगे और आप करिए मेरे साथ गंगा जी के दर्शन। वो ऊपर देख रहे हो वो है मनसा देवी का टेंपल, वो मनसा देवी टेंपल है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे गुरुद्वारे में लगभग 7 बजे के आसपास, अंधेरा हो चुका था लेकिन हमें कमरा मिल गया, अच्छे से रूम बढ़िया मिल गया है। तो हमारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, अभी हम फ्रेश वगैरह हो गए हैं तो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश वगैरह घूमने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऋषिकेश आज। तो दोस्तों हम बहुत देर से निकले क्योंकि यहाँ पर एकदम से बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो अभी हम आए हैं ऋषिकेश घूमने गंगा के किनारे और बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। तो देखिए आप भी, तो रात का व्यू देखिए गंगा जी का। अभी हम हैं ऋषिकेश में, देखिए कितना सुंदर ब्रिज है, ये देखिए गंगा जी। बहुत ही सुंदर लग रहा है ऋषिकेश रात में। ऊपर देखिए पहाड़ों पे छोटी 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 लाइट दिखाई दे रही है आपको। तो दोस्तों गंगा जी में डुबकी लगाने का इतना मन कर रहा है ना, इतना मन कर रहा है क्या करूं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम भी और मैं कपड़े लेके भी नहीं आया साथ में और सुबह हमको निकलना भी है। तो बस हम जैसे जैसे घूमने के लिए आ गए थे लेकिन साथ में कपड़े लेके आते तो हम जरूर डुबकी लगाते हैं गंगा जी में। तो फिलहाल चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे आपको देखने के लिए हमारी यात्रा में। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि हमारी जो आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी होने वाली है। तो जो लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन जरूर दबा लो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय बाय।